अल्लाह 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 अल्लाह। बाल कटवाने का भी सुन्नत तरीका यही है, आप बाल रखना चाहते हैं तो यहाँ तक रखें, यहाँ तक रखें, यहाँ तक रखें, ना रखें ना ना रखें। गैर महरम औरतों के फितने से कैसे बचें? करीब ही ना जाओ, जब करीब नहीं जाओगे खुद बहुत बच जाओगे। कहते हैं कि भेड़िए ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि मैंने अगर आपके बेटे को खाया हो ना तो मैं 14वीं सदी के आलिम उलमा में से उठूँगा। गुजारिश ये है कि भेड़िया वहाँ आया ही नहीं था, पता नहीं तुम्हें कहाँ से मिल गया। जब भेड़िए ने खाया ही नहीं हो तो झूठ था, जाऊ वाला कमी से ही भी दमन कर दिबो तो झूठा खून लगा के बाप के पास ले गया। तो वहाँ भेड़िए का मसला नहीं, तुम्हें पता नहीं भेड़िया कहाँ से टकर गया। और फिर वो उस वक्त से 1400 साल जिंदा रहेगा। 1400 साल तो हजूर की नबूवत को हुए हैं, हजरत याकूब का गिना जाए वो तो कई हज़ार साल हो गए। वो जिंदा रहेगा, भेड़िया फिर मौलवी बन जाएगा। तुम जो मौजूद हो तो मौलवी बनने को भेड़िए की ज़रूरत ही क्या है, तुम खुद काफ़ी हो। ऐसे झूठे किस्से कहानियां न घड़ा करें। उम्र की चादरें जो हैं ये भी मुकद्दस हो जाती हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ के साथ नस्बत लगती है तो वो चीज़ भी बड़ी मुकद्दस। उससे खिड़की विड़की पर देना बनाए, वैसे बनाया है तो गुनाह नहीं है, लेकिन एहतराम करना चाहिए। सर और दाढ़ी के बाल सियाह न करें, बाकी किसी भी रंग का खिलाफ लगा सकते हैं। जो दाढ़ी मुंडाता है उसको अजान नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दाढ़ी मुंडाने से गुनाह कबीरा होता है और गुनाह कबीरा का मुर्तकिब फासिक व फाजिर है। इसलिए उलमा कहते हैं कि ना वो इमाम बने ना मुअज्जिन बने। पाकिस्तान में कुछ लोग इकामत में बैठे रहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, फिर खड़े होते कोई हाजिर नहीं, उस पर खड़ा हो ला हौला कुदरा पे खड़ा हो, कद कामत सलाह पे कोई खड़े तो हैं, आए तो हैं, शुक्र करो। मेरा दामाद है, टेस्ट कराए हैं, सियत याब नहीं होता, बेहोश हो जाते, अल्लाह उसको शिफाए कामला अता फरमाए, सियत याद। सबसे बड़ा इलाज मेरा भाई माए जमजम है, जमजम ले जाएं और उसको बाकायदगी से सुबह शाम पिलाएं, इसी नीयत से कि अल्लाह उसकी ये बीमारी दूर कर दे। हमारे होटल के बाथरूम में अगर बैठ के पेशाब करने से कपड़े पलीद हों, खड़े होके कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। नमाज की हालत में छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकते। एक आदमी कह रहा था कि अगर बरनी खजूर घर में रखे तो बरकत होगी, बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह। जिस घर में खजूर हो वैसे ही बरकत होती है। बहरहाल ये रिवायात मौजूद हैं कि हज़रत ज़हाक भी और कई और भी लोग हैं जो 3 साल माँ के पेट में रहे, 4-4 साल तक माँ के पेट में रहे, तो हमल की मुद्दत का कोई तायुन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो इद्दत का रिजात का मसला है ना, उसमें इसीलिए असल इख्तलाफ है। लेकिन मुश्किल ये है कि आजकल हम एक दूसरे पर एतराज़ कर देते हैं लेकिन बात समझने की कोशिश नहीं करते। ओ जी इमाम अबू हनीफा कहता है कि 2.5 साल ही, 2.5 साल मुद्दत रिजात है, कुरान कहता है 2 साल है। अब क्या इलाज है इसका कि अगर तुम्हें कुरान की समझ ही ना हो तो फिर कसूर इमाम अबू हनीफा का है? अल्लाह के बंदे, दूध पिलाने वाली औरतें 2 किस्म हैं, एक तो वल वाले दादो युर्ज़ेना औलाद हुन्ना हौलैन कामिलैन, एक तो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई उजरत नहीं ले रही, कोई पैसे नहीं ले रही,
तो वो जो है वो तो 2 साल पिलाएगी। अगर कोई और औरत पिला रही है, यानी माँ माँ ने बच्चा पैदा किया और मैं दूध नहीं पिलाती, हमलू व फिसालू सलासून शहरन, उसका उठाना और दूध छुड़ाना 30 महीने, तो वहाँ 2.5 साल है। क्योंकि वहाँ हमलू से मुराद पेट का हमल नहीं है, यही गलती है लोगों को, उठाना मुराद है। क्योंकि अगर पेट की बात हो तो 9 महीने का हमल हो तो बाकी कितने बचेंगे, फिर 2 साल कैसे पूरे करोगे, तो 2 साल तो पूरे नहीं होते ना। अच्छा, अगर माँ के पेट में रहा ही 4 साल है तो वो उसके लिए 2 साल का पूरे करोगे। तो इसलिए मसाइल को समझा करें, अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। कोई भी इमाम कभी कुरान हदीस की मुखालफत नहीं कर सकता। हम इंग्लैंड में रहते हैं, हम कुरान के लिए, नमाज के लिए, दरूद के लिए औकात मुकर कर, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम रखेंगे तो तभी अदा होगा ना। मेरे जिस्म में दर्द होता है, बेचैनी रहती है, जमजम पी है सबसे बड़ा इलाज, सारे काम वजीफों से नहीं होते। मैंने उससे सर से बाल कटवाया, 30 उम्र में बाल नहीं थे, छोटे उम्र में बाल कटवा, बहरहाल जिसमें बाल नहीं कटवाए दम पड़ गई, बाल हूँ ना हूँ उस तरह फिरवाएं, चाहे गंजा आदमी भी उम्रा करे उस तरह फिरवाएगा। बिल्कुल बुरका पहनने के लिए ताकीद कर सकती हैं औरतों को, लेकिन मोहब्बत और प्यार से समझाएं। रफ़ादैन न करने की भी हदीसें हैं और करने की भी हैं। बहरहाल बग़ैर किसी तासुब के न करने की हदीसें जो हैं वो ज़्यादा सही हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मुहद्दिसीन ने बाब बांधे हैं रफ़ादैन के, रफ़ादैन वाली हदीस पहले लिखी है, न करने वाली बाद में लिखी है, तो ये इशारा होता है कि बाद वाला हुक्म नासिख है, पहला हुक्म ख़त्म हो गया। एक आदमी दूसरे से कर्जा मांगता है, वो कहता है मैं आपको मुनाफा दूंगा, वो कहते ये सूद है, मैं आपको 50 बोरी गंदम देता हूँ, बेच कर जरूरत पूरी कर लो, गंदम का रेट 3,000 है, उसको देता है। 3,500 कर्जा देने वाला जब दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार उसको वही पैसे दे देता है, बस उतना लेना चाहिए जितना दिया है, ज़्यादा लोगे तो सूद है। अब वो बहाने बनाओ या चक्कर चलाओ, उसका अल्लाह तो जानता है। वो एक सुना है, अल्लाह वालम सही है या गलत है, एक मौलवी साहब थे, तो उसने ज़कात के मसलन 200 निकालने, तो 200 रुपये ज़कात वाले गंदम की बोरी में रख देता, और एक बंदा आता उसका, भाई ये ज़कात का माल है ले, वो कहता हजरत ये बोरी 2.5 मन गंदम की है, मैं कैसे उठा सकूं, मैं जाता हूं कोई गधा शदा किराए पर करके ले आता हूं, ले जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, बस तुम ये मुझे बेच दो, कितने की बेचोगे? उससे फिर 50 रुपये में खरीदी, वो पैसे अंदर पड़े रहे, यानी ज़कात अदा भी होगी, मैंने तो खरीदी है जी, अब उसके अंदर पैसे पड़े थे, मेरा क्या कसूर है? तो ऐसे बहाने न बनाए, अल्लाह नीयतों को जानते, अल्लाह को पता है कि तुम नफ़ा लेना चाहते हो या कर्जा देना चाहते हो। जब भी कर्जा दो बगैर किसी लालच के, वरना न दो। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना,